दोस्तों आज हम करेंगे रिपोर्टिंग ओलियंडर कनेर गुलाबी वाला जो डबल पेटल है उसका। और इसके लिए हमने मिट्टी तैयार किया है। मिट्टी में हमने मिलाया है रेत, ये किचन वेस्ट खाद, DAP के थोड़े दाने, बोन मील और नीम खली। इससे मिलाने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें ये थोड़े आपको किचन वेस्ट मोटे वाले भी दिख रहे होंगे जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ, पर ये इसमें मैंने इसलिए मिला दिया कि इससे मिट्टी पोरस बढ़िया बना रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गलेगा आपका काम बढ़िया बनते जाएगा। मिट्टी में मैंने कोकोपीट नीचे रख दिया है और इसका ड्रेनेज होल देखिए, ड्रेनेज होल को मैंने कंप्लीट छेद कर लिया 4-5 और नीचे भी साइड में भी। और इसमें मैंने डाला है नारियल के छिलके और थोड़ी मिट्टी। देखिए ये हमारा प्लांट है, इससे पहले निकालते हैं। निकालने का जो तरीका है आप देखिए ये वीडियो में दिख रहा है, थोड़े से ठोक पीट के इसे बराबर कर लेंगे। जो सीधा होने के बाद हल्के हाथों से प्लास्टिक खींचेंगे तो ये आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। रूट बॉल देखिए कितना बढ़िया बना है। और इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है जिस कंडीशन में ही अंदर डाल देंगे। इसकी मिट्टी जो है काफ़ी बढ़िया है इसलिए भी मैं इससे चेंज नहीं करूँगा। और देखिए कितना बढ़िया इसमें ये रूट बॉल जो बना है। और प्लांट भी हमारा हेल्दी है लेकिन अब इससे थोड़ा बढ़िया फ्लावरिंग लेने के लिए इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इस पर फ्लावरिंग अभी आधा खिलता है, कुछ मर जाते हैं, कुछ आधे अधूरे खिल के रह जाते हैं, तो इसलिए अब इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें फूल तो नहीं आए हैं लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें फूल आ जाएगा। मिट्टी डाल के भर देते हैं इसमें। देखिए ये इसमें कलियां हैं लेकिन अभी फूल खिले हुए नहीं है। और इसका अपडेट भी इस वीडियो में ही आपको दूंगा मैं, जो इसे लगाने के 10-15 दिन बाद क्या हालत रहता है इसका, डैमेज होता है, पौधा मरता है, शौक में जाता है या क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से शौक में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसके रूट बॉल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। ऊपर की मिट्टी को हल्का हल्का मैंने भली मिक्स कर लिया है, बराबर कर लिया है। और देखिए ये इसके मतलब तने को पूरा ढकेंगे नहीं लेकिन इसे बैठाना बढ़िया से है, चारों तरफ से मिट्टी दबा दबा के भरना है। एक बार मैं मिट्टी भर लेता हूँ फिर कैसे दबाना है जो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार ये मिट्टी भर लेता हूँ। मिट्टी देखिए आपको देखने से अंदाजा लग गया होगा कितना हल्का है, इस तरह से ये दबाना है चारों साइड से, क्योंकि ये साइड में ही नई मिट्टी है, बीच में तो आपको पता है पूरा कंप्लीट मिट्टी हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं है, फुटबॉल के साथ है। इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और पानी। आपको पता ही है कि मैं एप्सम सॉल्ट जब भी रिपोर्ट करता हूँ तो डालता हूँ, इससे प्लांट शॉक में नहीं जाता है। और ये देखिए थोड़ा सा गांठ जैसा बन गया है, चलेगा ये। ये तो आपको पता होगा कि हल्का गीला होने के बाद ये बंद सा जाता है। और ये देखिए ये हमारा अपडेट है, लगभग 10-12 दिन बाद ये सारी कलियां खिल गई हैं। और देखिए प्लांट भी हमारा बहुत बढ़िया है, कहीं शॉक में भी नहीं गया और सारी कलियां खिल के अब पूरी तरह से खिल रहा है। इसमें दो चार ये जो